नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक व्यास, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। आप सभी का स्वागत है राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर द्वारा तैयार की गई वीडियो सीरीज में, जिसके अंतर्गत हम आज प्रथम वर्ष डिप्लोमा छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस विषय के लिए मैंने एक पहले वीडियो लेक्चर बनाया था, जिसमें मैंने बात की थी स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स की परिभाषा क्या होती है और उनकी क्या उपयोगिता होती है तथा उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे कि स्नेहकों के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्नेहक क्या है? वास्तव में स्नेहक वो पदार्थ है जो दो गतिशील मशीनी सतहों के मध्य घर्षण को कम करते हैं तथा घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का अवशोषित करते हैं। उससे क्या होता है कि मशीन की जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, उसकी आयु में वृद्धि होती है तथा जो अपने अभियांत्रिकी कार्य में उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे स्नेहकों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी। और महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है? शयनता, शयनता सूचकांक, स्निग्धता या तैलीयता, अम्लीयमान, सामान्यीकरण मान, पायसीकरण, स्फुरांक तथा अग्निबिंदु, बहाव व धुंध बिंदु, ऑक्सीकरण तथा कार्बन अवशेष। आज हम बात करेंगे शयनता यानी प्रथम विस्कोसिटी के बारे में। द्रव को बहने से रोकने के गुण को शयनता कहते हैं। ये एक ऐसा गुण है जिसके कारण स्नेहक अधिक ताप व दाब पर भी अपने जगह पर टिका रहता है। अधिक गति एवं कम दाब की स्थिति में कम शयनता वाले द्रव स्नेहकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सिलाई मशीन। तो शयनता क्या है? बेसिकली ये द्रव को बहने से रोकने का गुण है, यानी जो स्नेहक है वो अपनी जगह पर टिका रहे। यदि अधिक गति और कम दाब हो तो उस स्थिति में आपको ऐसा स्नेहक इस्तेमाल करना पड़ता है जिसकी शयनता का मान कम हो। स्नेहकों की शयनता ताप बढ़ने के साथ घटती है तथा ताप घटने के साथ बढ़ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण गुणधर्म है शयनता सूचकांक यानी विस्कोसिटी इंडेक्स। ताप के साथ शयनता में परिवर्तन की दर को शयनता सूचकांक कहते हैं। जिस स्नेह की शयनता ताप के साथ कम परिवर्तित होती है उसका शयनता सूचकांक कम होगा और वह अच्छा स्नेह होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है स्निग्धता या तैलीयता यानी कि ऑयलीनेस। स्निग्धता के कारण उच्च दाब व तेज गति की अवस्था में भी स्नेहक धातु की सतह पर टिका रहता है। कम स्निग्धता वाले स्नेहक दाब बढ़ते ही अपने स्थान से हट जाते हैं। वसीय तेल की स्निग्धता यानी ऑयलीनेस अधिक होती है तथा खनिज तेलों की जो है वो कम होती है। तो देखिए, स्निग्धता या तेलीयता यानी ऑयलीनेस, चिपचिपापन जो है वो किसी स्नेहक में उसकी स्निग्धता या तैलीयता को दर्शाता है। और जब भी उच्च दाब या तेज गति होती है तो वो धातु की सतह पर टिका रहता है, चिपका हुआ रहता है। तो सामान्यतः अधिक स्निग्धता वाले स्नेहक जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद में जो अगला गुण है वो अम्लीय मान यानी एसिड वैल्यू। कुछ स्नेहक तेल अम्लीय होते हैं जिसके कारण स्नेहन किए जाने वाले धातु सतहों का क्या होता है? संक्षारण होता है यानी कि करोजन होता है। यदि स्नेहक के अंदर अम्लीय मात्रा है तो उसका संक्षारण हो जाता है। स्नेहक के ऑक्सीगत होने से अम्लता की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। अगर स्नेहक का ऑक्सीकरण होगा तो उसमें अम्लता की मात्रा बढ़ जाएगी। स्नेहक की अम्लता उसके उदासीनीकरण अंक यानी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट से ज्ञात की जाती है। उदासीनीकरण अंक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट KOH की मिलीग्राम में व्यक्त की गई वह संख्या है जो 1 ग्राम स्नेहक में विद्यमान असंयुक्त अम्ल को उदासीन करे। यानी कि आपको अगर उदासीकरण अंक ज्ञात करना है तो आपको KOH में मिलीग्राम की वह मात्रा ज्ञात करनी होगी जो कि 1 ग्राम स्नेहक में विद्यमान अम्ल को उदासीन करे। तो किसी स्नेहक तेल का अम्लीय मान KOH की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 1 ग्राम, कितनी मात्रा? 1 ग्राम स्नेहक तेल में उपस्थित स्वतंत्र अम्लों को क्या करे? उदासीन करे। स्नेहक तेलों के लिए अम्लीय मान जो है वो 1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अर्थात KOH का मान जो उपयोग हो रहा है वो 1 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं अगला गुणधर्म साबुनीकरण मान या सल्फोनिफिकेशन वैल्यू।
वसीय तेलों का क्षार द्वारा पूर्ण अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। तो आपके सामने ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये वसा है, तेल है, और KOH के साथ में जो अभिक्रिया होने पर साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बनता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। तो वसीय तेलों का क्षार के द्वारा पूर्ण अपघटन जो है वो साबुनीकरण कहलाता है। KOH की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 1 ग्राम तेल को पूर्णतः साबुनीकृत करे वह साबुनीकरण संख्या कहलाती है। यानी KOH की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 1 ग्राम तेल को पूर्णतः साबुनीकृत करे वह साबुनीकरण संख्या कहलाती है। तो साबुन संख्या का मान कैसे निकालेंगे अपन? KOH इंटू सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे तेल बटे भार। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट गुण जो है वो है पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन। ये एक दुर्गुण है, यानी एक नेगेटिव प्रॉपर्टी है। कुछ स्नेहक तेल उच्च दाब पर अपने अंदर उपस्थित पानी के साथ मिलकर पाइस यानी इमल्जन बनाते हैं, और ये पाइस मिट्टी और अन्य पदार्थ कणों को सोख लेता है। स्नेहक के साथ इस प्रकार के कणों के मिल जाने से उनकी स्नेहन क्रिया प्रायः समाप्त हो जाती है। अतः अच्छे स्नेहक में विपायसता यानी डीमल्सिफिकेशन का गुण होना चाहिए। यदि स्नेहक में पायस बनाने का गुण होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो पानी के साथ मिलकर जो मिश्रण बनाता है जिसे पायस कहते हैं, उससे वह मिट्टी के कणों को अपने अंदर सोख लेता है, उससे स्नेहन की प्रक्रिया जो है वो कम हो जाती है। अगला गुणधर्म है स्फुरांक तथा अग्निबिंदु। स्फुरांक को कहते हैं फ्लैश पॉइंट और अग्निबिंदु कहते हैं फायर पॉइंट। स्फुरांक वह कम से कम तापमान है जिस पर स्नेहक तेल क्षणिक कौंद यानी मोमेंट्री फ्लैश के लिए पर्याप्त वाष्प प्रदान करता है। यानी स्फुरांक यानी फ्लैश पॉइंट क्या है? वह न्यूनतम ताप है जिस पर स्नेहक तेल क्षणिक कौन मोमेंट्री फ्लैश के लिए पर्याप्त वाष्प जो है वो देता है। अच्छे स्नेहक के अंदर स्फुरांक बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट का मान जो है वो उच्च होना चाहिए ताकि वो अग्नि नहीं पकड़े, आग नहीं पकड़े। निम्न स्फुरांक बिंदु वाले जो स्नेहक हैं वो अधिक खतरनाक होते हैं। यदि स्नेहक को और अधिक गर्म किया जाए तो वह हवा के साथ निरंतर ज्वलनशील मिश्रण बनाता है। अतः कम से कम ताप जिस पर स्नेहक से लगातार जलने के लिए पर्याप्त वाष्प पैदा होती है उसे अग्निबिंदु या फायर पॉइंट कहते हैं। अग्निबिंदु क्या है? वह तापमान है जिस पर स्नेहक से लगातार जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में वाष्प उत्पन्न हो जाए, और किसी भी अच्छे स्नेहक के अंदर अग्निबिंदु का मान उच्च होना चाहिए, क्योंकि अगर अग्निबिंदु का मान उच्च होगा तभी वह जो परिस्थितियां हैं जिसमें अपन स्नेहक का उपयोग कर रहे हैं उसमें वो आग नहीं पकड़ेगा। पेंस मार्टिन उपकरण की सहायता से स्फुरांक व अग्निबिंदु को ज्ञात किया जाता है। स्नेहक तेल का ज्वलन समय कम से कम 5 सेकंड होता है। बहाव एवं धुंध बिंदु पोर एंड क्लाउड पॉइंट वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे स्नेहक बहना बंद कर दे वह बहाव बिंदु कहलाता है, और इसके नीचे के ताप पर स्नेहक कार्य करना बंद कर देता है। तो देखिए बहाव यानी कि पोर पॉइंट और धुंध यानी कि क्लाउड पॉइंट, ये इसका अगला गुणधर्म है किसी स्नेहक का। तो वह न्यूनतम तापमान जिसके नीचे स्नेहक बहना बंद कर दे वह बहाव बिंदु या पोर पॉइंट कहलाता है, और इसके नीचे काम करना है। तो एक्चुअली आप वह न्यूनतम तापमान जिस पर स्नेहक काम करेगा उसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं? बहाव बिंदु और धुंध बिंदु से। उसी प्रकार वह न्यूनतम ताप पर जिस पर स्नेहक धुंधली अवस्था में आ जाए उसे धुंध बिंदु कहता है। तो धुंध बिंदु और बहाव बिंदु की सहायता से अपन उस न्यूनतम तापमान को ज्ञात करते हैं जिसके नीचे कोई भी स्नेहक कार्य नहीं करेगा, और अग्निबिंदु और स्फुरांक बिंदु से अपन वह उच्चतम तापमान ज्ञात करते हैं जिसके ऊपर उसको उपयोग करने से उसमें आग लग सकती है। तो ये दोनों ही बिंदु न्यूनतम और अधिकतम तापमान को ज्ञात करने में सहायक होते हैं, जिससे कि आप किसी भी स्नेहक का जो कार्यशील तापमान है उसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है ऑक्सीकरण। स्नेहक वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया ताप के साथ बढ़ती है। स्नेहक तेल गाढ़ा हो जाता है तथा स्वतंत्रतापूर्वक नहीं बहता है। अब ऑक्सीकरण होने पर क्या होगा कि स्नेहक तेल गाढ़ा हो जाएगा और उसका कार्य जो है वो सही नहीं होगा। तो ऑक्सीकरण कम से कम न्यूनतम मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अगले गुणधर्म की कार्बन अवशेष या कार्बन रेसिड्यू। अधिक ताप पर स्नेहों का विघटन हो जाता है तो उसमें उपस्थित कार्बन के कण स्वतंत्र होकर बेरिंग पिस्टन रिंग आदि पर जमा हो जाते हैं, और कार्बन के अवशेष घर्षण प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं जिससे धातु की सतह नष्ट होने लगती है। तो कार्बन अवशेष की मात्रा किसी भी स्नेक में न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिक होगी तो ये घर्षण प्रतिरोध को बढ़ाएगा और मशीन की जो क्षमता है उसको कम करेगा।
तो इन गुण धर्म का अध्ययन करने के पश्चात हम ये जान सकते हैं कि किसी भी अच्छे स्नेक में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण, मशीन की आवश्यकता के अनुसार स्नेहक की शयनता कम या अधिक हो सके। यानी पहला गुण तो ये है कि मशीन के अनुसार उसकी जो शयनता है, विस्कोसिटी है, वो कम या अधिक हो सके। दूसरा, जो शयनता सूचकांक है, विस्कोसिटी इंडेक्स है, वो कम होना चाहिए। तीसरा, उसमें स्नेहक में चिकनाहट अधिक होनी चाहिए व मुलायम होना चाहिए, यानी कि उसमें ऑयलीनेस जो है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। तथा जो स्नेक हम इस्तेमाल करें वो संक्षारण प्रतिरोधी होना चाहिए, यानी कि धातु की सतह या मशीन की सतह का वो संक्षारण नहीं करे। तथा उसके अंदर कार्बन अवशेष जो है वो न्यूनतम मात्रा में होना चाहिए। तथा इसके अतिरिक्त स्नेक का ऑक्सीकरण जो है वो भी नहीं होना चाहिए, यानी अगर स्नेक अगर किसी वातावरण के संपर्क में आ रहा है तब उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसका पायसीकरण भी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अपने अंदर उपस्थित यदि कुछ पानी है तो उसके साथ मिलकर पायस या एमल्सी पर नहीं बनाए, क्योंकि मिलाने पर वो मिट्टी के कणों को अपने अंदर सोख लेगा। बहाव बिंदु और द्वंद बिंदु का मान कम होना चाहिए और उसी प्रकार स्फुरांग बिंदु और अग्नि बिंदु का मान अधिक होना चाहिए। यानी बहाव बिंदु यानी फ्लैश और पोर और क्लाउड पॉइंट का मान कम होना चाहिए और फ्लैश और फायर पॉइंट का मान अधिक होना चाहिए। तथा आखिरी गुण यह है कि वो आसानी से वाष्पीकृत नहीं हो। तो इन गुणों की सहायता से हम किसी भी अच्छे स्नेक का जो है वो चयन कर सकते हैं मशीन के अनुसार। धन्यवाद।